तेज से जल बढ़ने लगा है। देख रहे हो धीरे धीरे से काफ़ी ज़्यादा गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है, देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिएगा, चलते एक बार हर की बॉडी की ओर, ठीक है, ब्रह्मकुंड घाट पे देखते हैं कितना ज़्यादा जल चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं हम तुम्हें बारिश में दर्शन करा रहे हैं, छाता पकड़ के भाई, वो भी लाइव दर्शन इस बारिश में आप लोगों को गंगा जी के दर्शन करा रहे हैं। छाता लेके आ चुके हैं आज हर की पौड़ी पे, सोचा आप लोगों को दर्शन करा दिए, लेकिन बारिश खतरनाक बढ़ रही है धीरे धीरे, बूंदाबांदी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है और बारिश बढ़ रही है अभी लोग। तो सभी का स्वागत है, अभी हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी टिकट काउंटर पे, जहां से लेते हैं मनसा देवी मंदिर के लिए टिकट। आप लोग देख सकते हो आज इतनी भीड़ नहीं है टिकट काउंटर पे, क्योंकि श्रद्धालु की जो भीड़ है वो बहुत कम हो चुकी है, उसी के चलते भीड़ कितनी कम हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं। और जो सामने आपको दिख रहा है वो ये वाला काउंटर ना, यहां से आप मनसा देवी और चंडी देवी का टिकट ले सकते हो। और जो ये वाला सामने वाला काउंटर रहा, यहां से सिर्फ एक मतलब एक साइड का टिकट ले सकते हो, या मनसा देवी का इसलिए, ठीक है। लेकिन ये रहा भीड़, और यहाँ से टिकट के लिए आप लोग यहाँ से जाओगे रोपे के लिए, इस तरफ से होते हुए यहाँ से रोपे के लिए, और अगर पैदल जाना होगा तो आपको सामने जाना पड़ेगा। सामने से है सीढ़ियाँ, वहाँ से आप जाके पैदल मार्ग तय करोगे, ठीक है। देखो सामने आपको जाते हुए दिख रहे होंगे भक्त लोग, और वहीं से मनसा देवी मंदिर का पैदल मार्ग है, लेकिन यहाँ से आप लोग टिकट काउंटर खरीद सकते हैं, ये देखिएगा आप। लेकिन हम चलेंगे यहाँ से हर की पौड़ी की ओर, देखते हैं हर की पौड़ी पर कितनी भीड़ है, ये देखिएगा टिकट काउंटर पे आप लोग देख सकते हो आज की कितनी ज़्यादा भीड़ है। चलते हैं यहाँ से आप हर की पौड़ी, देखते हैं आज हर की पौड़ी की स्थिति कैसी है। दोस्तों आज सुबह से हल्की फुल्की बारिश के छिटे विटे पड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोग देख सकते हो हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है पूरी तरीके से, देख रहे हो। लेकिन श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए पूरी तरीके से, भीड़ भी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते रह रही है, देख रहे हो धीरे धीरे, बट अब उतनी भीड़ नहीं रही दोस्तों पूरी तरीके से, आप लोग आराम से आ सकते हो। बस थोड़ा बहुत ये है कि बारिश का थोड़ा सा खतरा रहता है, ये बारिश थोड़ी बहुत हो जाती है ना कभी कभी, लेकिन आज भी मौसम पूरी तरीके से बारिश का है, देख रहे हो। अभी आप लोग आ तो जाओगे, लेकिन बारिश क्या कुछ नहीं पता भाई, कभी भी बारिश हो सकती है हरिद्वार में, जैसे कि सुबह से चल रही, अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, देख रहे हो अभी भी सुबह से बारिश हो रही है, ये देखिएगा देख सकते हो। चलो आप चलेंगे हम यहाँ से हर की पौड़ी की ओर, देखते हैं वहाँ के दर्शन करा, थोड़ी बहुत बारिश स्टार्ट हो चुकी है, चलते हैं। लेकिन हमारे पास है छाता, तुम्हें दर्शन कराएंगे भाई, छाता से चलेंगे सीधा हर की पौड़ी पर। चल भाई दर्शन कराते सीधा हर की पौड़ी पर पहुँच के, लेकिन भीड़ बहुत कम है, देख रहे हो मार्केट पर देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखिएगा। लेकिन जाम अभी काफ़ी लग रहा है, देख रहे हो पूरी तरीके से, ये देख सकते हो अभी थोड़ा बहुत जाम बढ़ चुका है, कि शाम के समय थोड़ा बहुत जाम बढ़ना स्टार्ट हो चुका है ना, स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी लगभग ना कम से कम डेढ़ बज चुका है, और इसीलिए श्रद्धालु जाते हैं। फिर उसके बाद आरती भी देखते हैं, स्नान भी करते हैं, सभी चीज़ करते हैं अगर अभी से जाके पूरी तरीके से। चल भाई देखिएगा दोस्तों, दो मार्ग है, एक मनसा देवी पैदल मार्ग के लिए, एक यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं पैदल, अगर हर की पौड़ी से आप लोग स्नान करके आते हो ना, ये देखो मनसा देवी पैदल मार्ग, यहाँ से भी आप लोग सीढ़ियों से जा सकते हो, और जहाँ से टिकट काउंटर है ना, टिकट काउंटर वहाँ से भी आप लोग पैदल जा सकते हो। अगर आप लोग हर की पौड़ी से आओगे तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ से सीधे स्नान करने के बाद यहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है ना, तो यहाँ से लोग ज़्यादा जाते हैं, और कुछ लोग वहीं से होते हुए जो बस स्टैंड से आते हैं ना, वो सीधे वहाँ से टिकट काउंटर के वहीं से सीधे चले जाते हैं मनसा देवी मंदिर के लिए पैदल। समय दोनों में लगभग बराबरी लगेगा, आप लोगों को बता दो। चलो चलते सीधे हर की पौड़ी पर, क्योंकि बारिश भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, और आसमान में देख सकते हो बादल किस तरह से लगे हैं, देख रहे हो भाई बारिश होगी ना तो खतरनाक होगी, अभी तो थोड़ी बहुत हो रही है ना, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी बारिश भाई पूरी तरीके से। चलो दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है, अभी हम पहुंच चुके सीधे ब्रह्मकुंड घाट के सामने से, यानी कि यहाँ से महिला वाले घाट के सामने से आप लोगों को दर्शन करा रहे, दिव्य नज़ारे दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से गंगा जी का जल स्तर आज काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हो घाट पर कितना ज़्यादा गंगा जी का जल स्तर दिख रहा है, देख रहे हो पूरी तरीके से गंगा जी का जो बहाव है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। लेकिन हल्की फुल्की अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों पूरी तरीके से, और साथ में भीड़ की बात की जाए तो भीड़ आज हमें ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है श्रद्धालु की पूरी तरीके से, आप लोग देख सकते हो कब बहुत कम भीड़ हो चुकी है धीरे धीरे, ये देखिएगा ये नज़ारे पूरी तरीके से ब्रह्मकुंड घाट के सुंदर दृश्य आप लोग देख सकते हैं। ले चलेंगे यहीं से धीरे धीरे सभी घाट की ओर, वहाँ के आप लोगों को नज़ारे दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे आप लोगों को पूरी तरीके से। लेकिन मौसम देख रहे हो आप लोग भाई, सामने का मौसम देखो भाई कितना खतरनाक हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि बारिश कहीं ना कहीं और आ सकती है, देख रहे हो सामने का, ये देखिएगा दोस्तों जल का बहाव देख सकते हो कितना ज़्यादा चल रहा है घाट पर पूरी तरीके से, काफ़ी ज़्यादा गंगा जी का बहाव आज हमें देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये रहा मालवी घाट, और मालवी घाट के भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। चलेंगे अभी धीरे धीरे ब्रह्मकुंड घाट के, वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे, दिव्य दर्शन कराएंगे आप लोगों को पूरी तरीके से आप लोग। लेकिन आज के दर्शन कर सकते हो दोस्तों, आज है 5 जुलाई, और 5 जुलाई के दिन ये सुंदर नज़ारे आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। देखो आज सुबह से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, सुबह से ही आज इसी तरह से बारिश चल रही है, बट अभी तक बारिश तेज़ नहीं हो पा रही है, लेकिन सुबह से ही थोड़ी बहुत बारिश पूरी तरीके से चल रही है, हल्के फुल्के देख रहे हो आप लोग, ये देखिए पूरी तरीके से देख सकते हो। चलते हैं अभी नीचे घाट पे, देखते हैं गंगा जी का जल कितना बड़ा हुआ है घाट अभी, ठीक है। नहीं चलते हैं घाट की ओर, वहाँ के दर्शन करा दे। चलो जी
ये देखिएगा दोस्तों, नीचे आप लोग देख सकते हैं, एक तो गंगा जी का जल स्तर इतना तेज है और नीचे श्रद्धालुओं को स्नान करते हुए देख सकते हैं किस तरह से गंगा जी में ये लोग डुबकी लगा रहे हैं। देख रहे हो भाई, एक तो गंगा जी का बहाव इतना तेज है, ऊपर से इस तरह से गंगा जी में नहाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो इस तरह से नहीं कर देना, ठीक है गलती आप लोग। चलो जी, ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से नज़ारे देख सकते हो, ये देखिएगा। और इन लोगों को बार बार यही बोला जाता है, सभी लोग यही बोलते हैं कि यहाँ से कूदना मना है बिल्कुल भी, इस तरह से स्नान नहीं करना पूरी तरीके से। चलिए अब दिखाते हैं आपको यहाँ से दर्शन कराते हैं एक बार पूरी तरीके से। ये रहे ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे, ये देखिएगा पूरी तरीके से, देखिएगा भाई, देख रहे हो आप लोग यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा पूरी तरीके से। लेकिन स्नान करते हुए श्रद्धालुओं को नीचे ही देख रहे हैं किस तरह से, भाई जी को देख रहे हैं, ये देखिए भाई पूरी तरीके से गंगा जी में किस तरह से छलांग लगा लगा कर स्नान किया जा रहा है। लेकिन अब बारिश की हमें चांसेस ऐसे बढ़ रहे हैं कि काफ़ी तेज़ होने वाली है धीरे धीरे, क्योंकि बारिश ना भाई सामने से ऐसे देख रहे हो भाई, सामने बादल देख सकते हो पूरी तरीके से, बारिश कहीं ना कहीं हो सकती है, धीरे धीरे बढ़ सकती है। चलेंगे नीचे, लेकिन नीचे स्नान करते हुए देखो भाई, ये देख रहे हो भाई पूरी तरीके से देख सकते हो गंगा जी में डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु को, ये देखिएगा किस तरह से स्नान कर रहे हैं, देख रहे हो, ये देख। और सामने पहाड़ों से बारिश आ गई, देख रहे हो आप पूरी तरीके से, सामने हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हम चलेंगे फटाफट से दर्शन कराते आप लोगों को, ना जा रहे दिखाते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सीधे संजय पुल पर, लेकिन लाइव बारिश देख सकते हो अभी आप, पूरी तरीके से बारिश हो चुकी है स्टार्ट। अभी थोड़ी देर पहले कम बारिश स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी बारिश बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। देख रहे हो, मैंने आपको घाट के दर्शन इसलिए नहीं कराए ना भाई, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, मैंने सोचा यहाँ से एक बार आपको पूरी तरीके से दर्शन करा दिए जाए, पूरी तरीके से आप लोगों को माँ गंगा जी के दिव्य नज़ारे दिखा दिए जाए। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ से दर्शन कर सकते हो पूरी तरीके से, देख रहे हो। और बारिश भाई लाइव बारिश स्टार्ट हो चुकी है, देख रहे हो पूरी तरीके से घाट पे, देख रहे हो भाई श्रद्धालु स्नान करते हुए तुम्हें फिर भी दिखाई देंगे, लेकिन बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, देख रहे हो, ये देखो पूरी तरीके से बारिश भी बढ़ते जा रही है। ये देखिएगा अभी दिखाते हैं यहाँ से तुम्हें नाई वाले घाट के दर्शन कराते हैं, ये देखिएगा दोस्तों, ये रहे नाई वाले घाट के नज़ारे, सुंदर दृश्य आप लोग देख सकते हो हम नाई वाले घाट पे। लेकिन गंगा जी का जल देख रहे हो भाई कितना भयंकर चल रहा है नाई वाले घाट पे, पूरी तरीके से देख सकते हो गंगा जी का जल स्तर, देखो ये देखिएगा दर्शन करते जाएगा साथ में, हमारे साथ जुड़ते जाएगा, वीडियो पे को लाइक भी करते जाएगा साथ में, सभी लोग जितने लोग भी अभी के दर्शन कर पा रहे हैं सभी लोग। ये देखिएगा दोस्तों पूरी तरीके से गंगा जी का जलस्तर देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, देख रहे हो घाट पूरी तरीके से देख सकते हो, ये देखिएगा दोस्तों। अभी हम पहुंच गए गंगा जी की बड़ी वाली की धारा की तरफ, लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है बहुत खतरनाक तरीके से। लेकिन देख रहे हो आप लोग गंगा जी का जलस्तर भी काफ़ी तेज़ बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे गंगा जी का मतलब कि जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी ना वैसे वैसे गंगा जी का जलस्तर अपने आप बढ़ेगा भाई, लोगों आप लोगों को बता दूँ। लेकिन अभी काफ़ी तेज़ से जल बढ़ने लगा है, देख रहे हो धीरे धीरे से काफ़ी ज़्यादा गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है, देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखिएगा। चलते एक बार हर की पौड़ी की ओर, ठीक है ब्रह्मकुंड घाट पे देखते हैं कितना ज़्यादा जल चल रहा है। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं सीधे ब्रह्मकुंड घाट पे, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से, और ये देखिएगा गंगा जी की धारा देख सकते हो कितनी भयंकर तरीके से चल रही है, देख रहे हो ये देखिएगा पूरी तरीके से देख सकते हो गंगा जी की धारा। अरे भाई किस तरह से गंगा जी में कूद गया, देख रहे हो छोटा सा बच्चा, वाह भाई ये देखो छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हो पूरी तरीके से ये। अरे भाई ये देखो गंगा जी का बहाव एक तो इतना तेज़ है, और ये छोटे छोटे बच्चे वही गलती करते हैं गंगा जी में कूद रहे अभी, देख रहे हो पूरी तरीके से जल देखो कहाँ पहुँच गया भाई, भयंकर जल की बहाव बढ़ चुका है दोस्तों बारिश की वजह से। देखो ये सीढ़ियों तक जल पहुँच चुका है, और जो सामने वाला रहा ना वो घाट तो पूरी तरीके से डूब चुका है, देख रहे हो पूरी तरीके से सामने वाला घाट देख सकते हो पूरी तरीके से डूब चुका है, मतलब बारिश का जो जल स्तर है ना काफ़ी बढ़ चुका है उस घाट पे, देखो आप लोग देख सकते हैं हम तुम्हें बारिश में दर्शन करा रहे हैं, छाता पकड़ के भाई, वो भी लाइव दर्शन इस बारिश में आप लोगों को गंगा जी के दर्शन करा रहे हैं, छाता लेके आ चुके हैं आज हर की पौड़ी में, सोचा आप लोगों को आज दर्शन करा दिए हैं। लेकिन बारिश खतरनाक बढ़ रही है धीरे धीरे, बूंदाबांदी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है और बारिश बढ़ रही है अभी लोग, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा हर हर गंगे का। चलो जी दर्शन भी करते जाएगा साथ में आप लोगों को भी दर्शन कराते जाएंगे। दोस्तों अभी बारिश धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, ठीक है आपको दर्शन कराए मैंने सभी घाट के, लेकिन बारिश भी काफ़ी तेज़ बढ़ते जा रही है, अभी हमें भी निकलना होगा, सभी जो घाट के थे आपको दर्शन करा दिए, धीरे धीरे बारिश भी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगी है, और एक बार आप लोगों को फिर से हम दर्शन कराएंगे। ये देखिएगा ये रहे पूरी तरीके से नाई घाट के नज़ारे, अभी श्रद्धालु कम हो चुके हैं क्योंकि इस ब्रिज के नीचे ना काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु खड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है ना इसके चलते स्नान बहुत कम लोग कर रहे हैं, स्नान बहुत कम लोग कर रहे हैं, बाकी श्रद्धालु जो है वो नीचे ब्रिज की तरफ बैठ चुके हैं। ये देखिएगा अब दिखाते हैं ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे दिखाते हैं, ये देखिएगा दोस्तों ये रहे पूरे तरीके से ब्रह्मकुंड घाट के दर्शन कर सकते हो आज के, ये देखिएगा लाइव नज़ारे, और जल देखो दोस्तों कितना ज़्यादा बढ़ चुका है पूरी तरीके से, ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा गंगा जी का जल भी बढ़ चुका है, ये देखिएगा। दोस्तों मिलते रहेंगे हरिद्वार की ऐसी नई नई वीडियो नए नए अपडेट के साथ, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे।
और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते जाइएगा, क्योंकि अगर हरिद्वार की रेगुलर ऐसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं।